कहते हैं ना कि जब भगवान जो चाहते हैं वही होता है, इंसान चाहे कुछ भी कर ले। और जोशी मठ जिस प्रकार से आज संकट के दौर से गुजर रहा है, यह एक बहुत ही बड़ी बात है। जोशी मठ के जो निवासी हैं, बासिंदे हैं, उनके मकान टूट रहे हैं, उनके घर टूट रहे हैं, घरों में दरार पड़ चुका है, अपना मकान अपना संपत्ति रहते हुए भी वो सड़कों पे रात गुजारने के लिए मजबूर हैं। और ये सिर्फ इसलिए हुआ है क्योंकि हमने प्राकृतिक चीजों में छेड़छाड़ किया। पहाड़, नदी, जंगल, ये सब भगवान की देन है, लेकिन इंसान जब पहुंचता है तो इंसान सबको बर्बाद करने लगता है। पहाड़ों को काट करके वहां पे घर बन रहे हैं, पहाड़ों के काट करके सड़क बन रही है, बनिया जो पेड़ पौधे हैं उनको काट करके वहां पे मकान बनाए जा रहे हैं, होटल्स बनाए जा रहे हैं आलीशान। तो कब तक ये बर्दाश्त करेंगे लोग? कहीं ना कहीं भगवान भी इन चीजों को देखते हैं। और एक पौराणिक शहर, ऐतिहासिक शहर, आदि गुरु की शहर जोशी मठ बर्बाद होने के कगार पे पहुंच चुका है। 500 घरों को चिन्हित किया गया है जिनको कि तोड़ा जाएगा, जिनको कि खतरा घोषित कर दिया गया है। कई सारी टीमें वहां पे काम कर रही हैं। आखिर ऐसा क्यों? जब 50 साल पहले ये एक रिपोर्ट में एक डीएम ने ये बता दिया था कि जोशी मठ खतरे में है, जोशी मठ को बचा लो, इसके बावजूद भी किसी ने नहीं सुनी और वहां पे निर्माण कार्य जारी रहे। और ये निर्माण कार्य सिर्फ जोशी मठ में ही नहीं, पूरे उत्तराखंड हो या हिमाचल हो, हर जगह लोग पहुंच करके जमीनें खरीद रहे हैं, अपने हिसाब से तोड़ फोड़ रहे हैं, पहाड़ों को काट रहे हैं, नदियों को रोक रहे हैं। और जो प्राकृतिक संपदाएं हैं उनके साथ छेड़छाड़ होगी तो ऐसा ही होगा। और ये चेतावनी है भगवान के द्वारा दी गई कि अब भी समय है, अभी चुप हो जाओ, शांत हो जाओ, बैठ जाओ। और जो प्राकृतिक चीज हैं अगर इनमें मन लग रहा है तो एज इट इज जो जैसा है वैसा ही रहने दो और उसी में अपना आशियाना बनाओ। तोड़ फोड़, काटना, ये सब बंद कर दो। लोगों का आजकल ट्रेंड चल चुका है कि पहाड़ों पे रहना है, लेकिन उसके लिए पहाड़ों को नुकसान न पहुंचाएं। हिमालय की श्रृंखला और ये भागीरथी नदी, इन सब चीजों को छेड़छाड़ न करें। छेड़ेंगे तो हम आज देख रहे हैं कि किस प्रकार से वहां के निवासी संकट में हैं, परेशानी में हैं, अपने घर द्वार, अपनी संपत्ति, अपने मकान सबको छोड़ के उन्हें जाना पड़ रहा है। ये दुखद है, अत्यंत ही दुखद है। तो इस दर्द को समझिए। और एक अनुरोध है, बड़े निर्माण कार्य बिल्कुल ना करें पहाड़ों पे, छोटा सा कुटिया बनाएं, रहने की इच्छा है उसमें रहें और वहाँ के लोगों के साथ घुल मिल करके रहें। प्राकृतिक संपदाओं को बढ़ाने की कोशिश करें, पेड़ पौधे लगाएं, नदियों की पूजा करें, हिमालय की पूजा करें और जो देवभूमि है उसकी रक्षा करें, क्योंकि देवभूमि हम सब की देवभूमि है, हम सब की धरोहर है, हम सब का पौराणिक एक ऐतिहासिक शहर है, एक ऐतिहासिक राज्य है और उस राज्य को हम सबको मिल करके आगे बढ़ाना है, न कि वहां पे जाके निर्माण कार्य करके बिजनेस स्थापित करना है। जय हिंद, जय भारत।